हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार। हम लोग आज एलसीएम एंड एचसीएफ का घातांक से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पढ़ेंगे। मतलब घातांक का लसा और मसा किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका क्वेश्चन जानेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा दिसंबर या नवंबर 2019 तक अपडेट रहेगा, क्योंकि हम इस बुक का यूज कर रहे हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। और इसमें कोरोना के पहले समय तक, मतलब नवंबर 2019 दिसंबर 2019 तक, इसमें क्वेश्चन अप टू डेट है। तो इस बुक से, और एक बुक है ये सगीर अहमद, आप जानते हैं, इससे भी सोल्यूशन हम आपको कराएंगे, लेकिन इससे भी क्वेश्चन हम लेते हैं और इस बुक से भी, और भी कुछ क्वेश्चन रख से क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखते हैं, हेडिंग हमने लिखा है घातांकों का लसा और मसा। इंग्लिश में एलसीएम एंड एचसीएफ को पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कांसेप्ट, आपको कांसेप्ट आना चाहिए। जब दिए गए संख्याओं का आधार समान हो तो उनका लसा क्या होगा, सबसे अधिक घात वाली संख्या, और मसा होगा सबसे कम घात वाली संख्या। और जब आधार समान ना हो, मतलब भेन बेस ऑफ गिवेन नंबर्स आर नॉट सेम एंड देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर इन द बेस, then LCM is product of numbers and HCF is always equal to 1। हिंदी में से हमने लिखा है, जब आधार समान ना हो और आधार में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो तो लसा क्या होता है, दिए गए संख्याओं का गुणनफल होता है और मसा हमेशा एक होता है। ये तो हमने बेसिक लिखा है, नियम आपको पता ही होगा। फिर भी जो भी क्वेश्चन लिखा गया है, जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर, कितना 2 अक्टूबर नहीं है, 2 अगस्त सितंबर शायद होगा, कितना 2019, मतलब दूसरा महीना, 2 तारीख, 8वां महीना 2019 एमटीएस में पूछा गया। लेटेस्ट क्वेश्चन सबसे यही है जो किरण बुक से लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, जो आरआरबी 2006 में पूछा गया है, 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 6 और 4 पे पावर 4 का एलसीएम निकालना। मतलब घातांकों का एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का आधार क्या है, समान है। इसे आप जानते हैं, जैसे a पर पावर हमने m लिखा तो a को बोलते हैं बेस, मतलब हिंदी में से आधार बोल सकते हैं, और m को क्या बोलते हैं, पावर, या दूसरा नाम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, आपको यह मालूम होगा। हिंदी में से क्या बोलते हैं, घात, मतलब a को आधार बोलते हैं और m को घात बोलते हैं। तो हमने पहला नियम लिखा है कि जब घात मतलब दिए गए संख्याओं का आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो, देख रहे हैं सभी का आधार समान है, मतलब सभी का आधार 4 है और घात अलग अलग है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है मैक्सिमम पावर्स नंबर, मतलब जो जिस आधार पर सबसे ज्यादा घात होगा वही एलसीएम होगा। तो सबसे ज्यादा घात कौन है, 7 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एलसीएम। अगर तो इसी में अच्छा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आपका। अगर तो इसी में आपका एचसीएम पूछता तो क्या होता, सबसे कम घात कौन है, 4, मतलब 4 पावर 4 हो जाता क्या, ये हो जाता एचसीएम। लेकिन एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एलसीएम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एलआईसी 2003 में पूछा गया है, सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन है, सभी का आधार कितना है, 7 है, जो सभी का आधार समान है, और पावर डिफर है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो जब आधार समान रहता है तो एचसीएफ क्या होता है, मिनिमम पावर्स नंबर, मतलब जिसका घात जो रहे सबसे कम रहे वही होगा एचसीएफ। तो देखिए 8, 6, 5, 10 में सबसे कम कौन है, घात 5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा जो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नंबर कितना है, 7 पावर 5, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया आपका आंसर। लेकिन इसमें पूछता, ये तो एचसीएफ हो ही गया, अगर जो पूछता कि एलसीएम इसका क्या होगा, तो एलसीएम क्या हो जाता, सबसे ज्यादा कौन है, ये 7 पावर 10, मतलब ये हो जाता आपका एलसीएम। अगर जो पूछता तो ये क्या हो जाता, एलसीएम, और ये है एचसीएफ। ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड नंबर को हम स्टार कर रहे हैं, क्यों स्टार कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर है नेगेटिव में है, और नेगेटिव में बड़ा छोटा आपको पता करने आना चाहिए। पॉजिटिव नंबर में तो आपको पता ही होगा, जैसे 8 लिखे और यहाँ पर लिख रहे हैं 17, तो कौन बड़ा है, 17 बड़ा है, ये तो पता है। लेकिन नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जैसे -8 हमने लिखा और -17 लिखा, तो कौन बड़ा है, आपको ये जानने के लिए नंबर लाइन आना चाहिए, 0, -1, -2, -3 वगैरह ये सब आना चाहिए। तो संख्या रेखा पर हम इधर से इधर जाते हैं तो मान बढ़ता है, आपको पता होगा। देखिए ध्यान से, इधर क्या है, इधर राइट साइड है और इधर लेफ्ट साइड है, मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो मान बढ़ता है,
इधर प्लस एक प्लस दो होता है, ये आपको पता होगा। मतलब जीरो का जो जितना नजदीक रहेगा माइनस वाला वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे माइनस एक और माइनस तीन में देखें तो माइनस एक है जो जीरो का ज्यादा करीब में है और माइनस तीन है जो जीरो से दूर है, मतलब माइनस एक बड़ा है और माइनस तीन है जो छोटा है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, या उल्टा भी ध्यान रख सकते हैं कि माइनस में जो बड़ा रहता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। तो माइनस सात और माइनस सत्रह में सबसे पहले माइनस आठ आएगी, उसके बाद ही माइनस सत्रह होगा। मतलब माइनस आठ जीरो के नजदीक होगी, यानी कि माइनस आठ बड़ा है और माइनस सत्रह छोटा है, तो माइनस के सिचुएशन में उल्टा हो जाता है। तो देखिए आपको एलसीएम और एचसीएम दोनों निकालना है इस क्वेश्चन में। ये मैथ 2001 में पूछा गया था। सभी का आधार समान है, पांच 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 आधार समान है, मतलब बेस सभी का सेम है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर और एचसीएम क्या होता है मिनिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर मतलब माइनस में सबसे अधिकतम कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, जो जो पांच के पावर माइनस ग्यारह, पांच के पावर माइनस सोलह, पांच के पावर माइनस सोलह, पांच के पावर माइनस दस में मैक्सिमम घात किसका है, मैक्सिमम कौन होगा, जो सबसे कम रहेगा वही मैक्सिमम होगा। तो सबसे कम कौन है, माइनस मतलब नौ है। ये क्या हो गया आपका, हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कौन हो जाएगा, पांच के पावर माइनस नौ। क्यों होगा, क्योंकि माइनस नौ है जो सबसे, नौ है जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे छोटी जो रहती है वो माइनस में सबसे बड़ी रहती है। यहाँ पर हमने बताया जैसे माइनस नौ है जो बड़ी है कितना से, जैसे माइनस सोलह से, माइनस दस से, माइनस ग्यारह सबसे। उसी के बाद देखिए आपको पूछ रहा है ये एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर मतलब क्या, सबसे इसमें क्या होना चाहिए, माइनस वाला में बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन है, ग्यारह नौ सोलह दस में सोलह बड़ा है, तो मतलब ये वाला है जो सबसे छोटा इसमें है। तो ये वाला क्या हो जाएगा पूरा आपका एचसीएफ, मतलब पांच के पावर माइनस नौ हो जाएगा एलसीएम और पांच के पावर माइनस सोलह हो जाएगा एचसीएफ। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड है। पांच के पावर माइनस नौ हो गया एलसीएम और पांच के पावर माइनस सोलह हो गया एचसीएफ। इसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछ रहा था, ये आप सीख चुके होंगे। एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर, और एचसीएफ क्या होता है, मिनिमम पावर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, जो एमटीएस लेटेस्ट में पूछा गया था, दो तारीख आठवां महीना 2019 को। देखिए दो पे पावर तीन और तीन पे पावर चार है, एवं दो पे पावर पांच और तीन पे पावर दो है, का एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ मतलब आपको बताए हैं क्या होता है, एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वैसा घात लेना है जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए दो पे पावर तीन इसमें है और इसमें दो पे पावर पांच है, दो पे पावर तीन है और दो पे पावर पांच है, तो ये दोनों में कॉमन कौन होगा, दो पे पावर तीन होगा, क्योंकि दो पे पावर पांच में दो पे पावर तीन है ना, और दो पे पावर तीन यहाँ खुद है ही। तो सबसे पहले कितना, दो पे पावर तीन को सिलेक्ट किए। उसके बाद देखिए अब तीन पे पावर चार है और तीन पे पावर दो है, तो तीन पे पावर चार और तीन पे पावर दो में कॉमन कौन होगा, तीन पे पावर दो, मतलब यही आपका हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए ऑप्शन कौन है, दो पे पावर तीन और तीन पे पावर दो, दो पे पावर तीन और तीन पे पावर दो, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, P बराबर दिया है इस प्रकार से और Q बराबर दिया है इस प्रकार से, तो P और Q का क्या निकालना है, HCF निकालना है। मतलब HCF निकालना है तो हमें मिनिमम पावर ही लेना होगा और कॉमन फैक्टर भी रहना चाहिए। तो दो पे पावर तीन है, यहाँ दो पे पावर पांच है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, दो पे पावर तीन और दो पे पावर पांच में दो पे पावर तीन कॉमन होगा, मतलब न्यूनतम घात वाला लेना है, मिनिमम पावर वाला। उसके बाद देखिए तीन पे पावर दस यहाँ है, यहाँ तीन पे पावर एक है, तो तीन पे पावर एक कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पांच है, यहाँ सात है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब दो पे पावर तीन गुना तीन पे पावर एक, तो दो पे पावर तीन देखिए पहला ऑप्शन में नहीं है, दो पे पावर तीन इस ऑप्शन में है और तीन पे पावर एक भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पांच छह क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को आप, जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, आरआरबी 2003 में पूछा गया था, लिखा है ये तीन फैक्टर दिया है का एलसीएम क्या होगा, मतलब लसा इसका निकालना है। तो लसा इस प्रकार के संख्या को अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ रहता है घात वाले, तो उसका किस प्रकार से लसा निकालते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर लेते हैं, जितना सारा रहता है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो देखिए पहला जो दिया है दो पे पावर तीन और इसमें है दो पे पावर दो और इसमें है दो पे पावर एक, तो इसमें मैक्सिमम पावर कौन हुआ, दो पे पावर तीन हो गया मैक्सिमम पावर। तो मेरा सबसे पहले दो पे पावर तीन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तीन पे पावर तीन है, यहाँ तीन पे पावर चार है, यहाँ तीन पे पावर पांच है, तो मैक्सिमम पावर तीन पे पावर कितना है पांच। उसके बाद हमने कितना लिखा, तीन पे पावर पांच। अब देखिए यहाँ पांच पे पांच का मैक्सिमम पावर देखना है, तो यहाँ दो है पावर पांच का, यहाँ एक है
और यहाँ 5 का पावर नहीं है, तो 5 का मैक्सिमम पावर कितना हमें मालूम हुआ, 2। उसके बाद देखिए 2 3 5 हो गया और कितना है 7, तो 7 का पावर 1 यहाँ है, यहाँ 7 का पावर 9 है, तो कितना लेंगे मैक्सिमम पावर लेना है, तो 7 का पावर 9। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आपको 3 पता चल रहा होगा। उसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार है, इसमें क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो मसा किस प्रकार से निकालते हैं, मसा निकालते हैं जो सभी में कॉमन होता है और वो मिनिमम पावर होना चाहिए, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जरूरी नहीं है कॉमन होना है। एलसीएम किस प्रकार से निकाले, सिर्फ आपको मैक्सिमम पावर लेना है, कॉमन होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें देखिए कॉमन होना बहुत जरूरी है एचसीएफ में, और कॉमन होकर भी उसमें मिनिमम पावर को लेना है। जैसे 2 पे पावर 4 यहाँ है, यहाँ 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर है जो सभी में तीनों में कॉमन है, तो उसमें मिनिमम पावर लेना है। तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 4 में मिनिमम कौन है, 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 1 को हमने सबसे पहले लिया। उसके बाद देखिए आगे, जैसे 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 5 है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 पे पावर कितना लेंगे, 2। तो देखिए इसके बाद 5 पे पावर 6 है, 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 1 है, उसके बाद कितना लेंगे, 5 पे पावर 1। 9 पे पावर 1 है, 9 पे पावर 2 है, 9 पे पावर 7 है, तो क्या लेंगे, 9 पे पावर 1, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए अब ऑप्शन में देखते हैं 2 पे पावर 1 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 2 पे पावर 4 है, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में 2 पे पावर 4 है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में 2 पे पावर 1 है ना, 3 पे पावर 2 भी है, 5 पे पावर 1 भी है और 9 पे पावर 1 भी है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बीपीएससी 2002 में पूछा गया था, 10a² bc 15ab c² 20a² b² c² का एलसीएम क्या होगा। तो पहले आपको संख्या मतलब 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 10, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा, आपको पता है। तो 60 पहला मतलब 90 तो नहीं होगा और 300 भी नहीं होगा, मतलब या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है या चौथा ऑप्शन हो सकता है, मतलब दोनों में 60 है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन होता है कि चौथा ऑप्शन, देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो एलसीएम निकालने के दरमियान क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं ना, जैसे इसमें लिए थे ना मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर ए स्क्वायर, ए पे पावर एक है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर पहले लेना है, तो ए स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी स्क्वायर है। अब देखिए बी का घात, यहाँ बी पे पावर एक है, यहाँ बी पे पावर एक है, यहाँ बी पे पावर दो है, मतलब बी स्क्वायर लेना होगा, तो बी स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी है। अब उसके बाद देखिए सी के घात, यहाँ एक है, यहाँ सी के घात 2 है, यहाँ सी के घात 1 है, तो मैक्सिमम पावर सी के घात 2 लेना है हमें, यहाँ सी के घात 1 है, मतलब ये वाला तो नहीं होना चाहिए, तो होगा सी के घात यहाँ पर 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा, यानी कि 60a² b² c² आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये फॉर्मूला बेस्ड है, x² + xy + y² दिया है और x2 - y³ का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसे हम बना रहे हैं, क्या लिखा है, x² + xy + y² और क्या लिखा है, x² - y³ लिखा है, x³ - y³। तो x³ - y³ का एक फॉर्मूला ही होता है, x - y (x²+xy) + y² और एक पहले से दिया था ये वाला, मतलब इसके जगह पर हमने ये वाला चीज लिखा, मतलब इतना और इतना का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, मतलब x² + xy + y² ये पहला संख्या, पहला व्यंजक दिया है और ये दूसरा दिया है, तो दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों में हाईएस्ट कॉमन, दोनों में मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, तो यहाँ तो पावर से आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन दोनों में जो कॉमन होता है उसे लेते हैं और जो नहीं कॉमन होता है उसे भी लेते हैं। तो दोनों में देखिए ये वाला पार्ट कॉमन है, तो सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब x² + xy + y² और जो नहीं कॉमन होता है उसे भी लेते हैं, मतलब x - y भी लेंगे। तो x - y मतलब मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो इसका मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर भी इसका मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि मैक्सिमम पावर हमने 1 सिलेक्ट कर लिया। अब x - y का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो x - y को सिलेक्ट किया, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, x²-y³ का ही फॉर्मूला होता है ना, तो घूर फिर के आंसर कौन चला है, x - y ही, तो x - y आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें इतना हमें समझाना था तो बताएं, लेकिन ऐसे आप बता सकते थे कि x²-y³ का फैक्टर ही ये है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर जो इसका आपसे पूछता एचसीएफ क्या होता, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता, ये वाला जो फॉर्म होता ये हो जाता सिर्फ एचसीएफ। अगर जो एचसीएफ पूछता तो ये वाला हो जाता एचसीएफ, और एलसीएम पूछ रहा है तो x²-y³ एलसीएम होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 8 × x³ - x और 4 × x³ - 1
का एलसीएम निकालना है ना, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा 8, तो सबसे पहले 8 रहना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो कट गया 4 है, दूसरा ऑप्शन भी कट गया 4 है, दूसरा ऑप्शन होगा या चौथा ऑप्शन होगा। तो देखिए अब देखते हैं x क्यू माइनस x लिखा, तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ इसे हम मिटा रहे हैं और यहीं पर आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है 8 इंटू x क्यू माइनस x, तो 8 और 4 का तो हो गया 8, अब देखते हैं x क्यू माइनस x का और x क्यू माइनस 1 का, x क्यू माइनस x का और x क्यू माइनस 1 का, तो देखिए ध्यान से पहले इसे देखिए ध्यान से x क्यू माइनस x और x क्यू माइनस 1 का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, 8 4 का तो 8 हो ही गया, 8 या तो दूसरा ऑप्शन होगा या चौथा ऑप्शन होगा। अब देखिए x क्यू माइनस 1 x में x कॉमन है ना, तो यहां क्या बचेगा x स्क्वायर और माइनस 1 कॉमन, यहां पर x क्यू माइनस इसे हम लिख सकते हैं a का क्यूब भी, तो a क्यू माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है आपको पता है ना, a क्यू माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, मतलब दिख रहा है कि a के जगह पर कितना है x है और b के जगह पर 1 है, a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं ना x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस x गुना 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये इसे हम एक बार और ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार जो स्क्वायर लिख दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों में आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या निकालना है, यहाँ देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब क्या होता है दोनों में जो मिलता है उसे लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसे भी, या दूसरे तरह से बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर लेते हैं सभी का। तो देखिए x सबसे पहले लेंगे, 8 तो हो ही गया, सबसे पहले 8 हो गया, यहाँ 4 था और यहाँ 8 था, तो 8 सबसे पहले हो गया। अब देखिए x भी होगा क्योंकि x का घात सिर्फ 1 यहाँ पर है मैक्सिमम, तो x ले लिए, उसके बाद देखिए x प्लस 1 यहाँ है और यहाँ इसमें x माइनस x प्लस 1 नहीं है, तो x प्लस 1 भी होगा और x माइनस 1 देखिए इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 भी होगा, और ये वाला भी होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी होगा, मतलब आपका इतना आंसर होगा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ये दोनों को गुना करके क्या 8x into इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका 8x into x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 into x माइनस 1 को गुना करके लिख दिए x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा ऑप्शन दे ही रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मतलब यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एचसीएफ क्या होगा, तो x स्क्वायर माइनस 9 के जगह पर हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है ना, यहां पर अगर जो x स्क्वायर माइनस 9 को जैसे देखिए इधर मिटा देते हैं फिर बताते हैं। अब देखिए से क्वेश्चन नंबर 11 बीपीएससी 2002 में पूछा गया लगभग अधिकतर क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 है, x स्क्वायर माइनस 9 है और कितना है 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये दिया गया है ना, इसका आपको क्या निकालना है HCF निकालना है, तो HCF मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और इसको फैक्टर अगर जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर हो गया और 9 माइनस 6x ऐसे ही रहने देते हैं और इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर ना, तो देखिए आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b, और ये आपको दिख रहा होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3x हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब इसे हम दो बार ब्रेक करके फिर इसे एक बार लिखते हैं x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, और इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 दो बार है। HCF का मतलब क्या होता है कि मिनिमम पावर, मिनिमम पावर या दोनों में जो कॉमन होता है जो एक बार लेते हैं, तो x प्लस 3 इसमें देखिए नहीं कॉमन हो रहा है लेकिन x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो HCF क्या हो जाएगा x माइनस 3 आपका HCF हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो x माइनस 3 कौन सा ऑप्शन में है, x माइनस 3 पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस 1 है, a स्क्वायर माइनस 1 है और a क्यू माइनस 1 है और कितना है a क्यू माइनस 1 है, फिर 8aq माइनस 8a है ना, 8aq माइनस 8a है, इसका भी HCF ही निकालना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, क्यों लिखे क्योंकि 1 का स्क्वायर अपने में से यहां पर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है उस प्रकार से,
अब यहां पर एक क्यू अपने मन से लिख सकते हैं, तो एक क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए इंटू वन ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर, तो एक ही रहने देते हैं इस प्रकार से। तो अब देखिए आगे यहाँ पर ए क्यू माइनस एट ए है, तो इससे पहले थोड़ा सा ब्रेक करके हम यही लिख देते हैं, अगर जो हम इसमें एट ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस वन हो जाएगा ना, एट ए कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए एट ए ऐसे ही रहने दिए और ए क्यू माइनस वन का हम फिर ए क्यू माइनस वन जैसे ये भी था तो इसे लिख सकते हैं ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस वन। अब देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, एच सी एफ निकालना है, तो एच सी एफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ए प्लस वन सभी में कॉमन है, इसमें प्लस वन है, इसमें प्लस वन नहीं है, इसमें भी प्लस वन नहीं है, लेकिन ए माइनस वन का पावर एक मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब इसमें भी ए माइनस वन है, इसमें भी ए माइनस वन का घात एक है, इसमें भी, मतलब तीनों में ए माइनस वन है ना, तो आपका एच सी एफ कितना हो जाएगा, ए माइनस वन पर पावर वन, मतलब ए माइनस वन आपका एच सी एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ए माइनस वन ऑप्शन नंबर कितना है आपका दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर है सेकेंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहां बताए, क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है, यहीं पर बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कितना लिखा है, 2x² माइनस 18, उसके बाद एक्स क्यू माइनस 2x, एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यू है, एक्स क्यू है, एक्स क्यू यहां पर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर है, गलती से लिखा गया होगा, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, ये दोनों का क्या निकालना है आपको, जीसीडी, जीसीडी मतलब क्या होता है, एचसीएफ, जीसीडी बोले या एचसीएफ बोले उससे हमें कोई फर्क नहीं है। तो देखिए ये दोनों में दो कॉमन है ना, तो दो कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं फैक्टर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इस प्रकार लिखेंगे तो हो जाएगा ना, देखिए x गुना x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x, तीन को फैक्टर करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीन को हम तोड़ेंगे एक गुना तीन, तो यहाँ पर तीन लिखेंगे, मतलब इस प्रकार ब्रेक कीजिए कि ये अपने आप आ जाए, तो यहाँ पर हो गया ना एक्स स्क्वायर और तीन एक्स में से एक एक्स जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर प्लस लिखेंगे यहाँ माइनस लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस एक एक्स और माइनस तीन एक्स, तो माइनस दो एक्स हो गया, ठीक है, मतलब इसे हम इस प्रकार ब्रेक कर सकते हैं, गुणनखंड आपको करना आता होगा। अब यहाँ पर हम इसे और भी ब्रेक कर सकते हैं, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, और ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, अब दोनों में एक्स माइनस थ्री यहाँ भी है और एक्स माइनस थ्री यहाँ भी है, तो आपको एचसीएफ क्या होता है, लोएस्ट पावर, मतलब दोनों में जो रहता है मिनिमम पावर, या दोनों में कॉमन रहना चाहिए मिनिमम घात वाला, तो एक्स माइनस थ्री यहाँ भी, एक्स माइनस थ्री यहाँ भी है, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों कॉमन हो रहा है, मतलब एचसीएफ बराबर हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, तो एचसीएफ एक्स माइनस थ्री ऑप्शन नंबर कहाँ है, एक्स माइनस थ्री ऑप्शन नंबर कितना है, सेकेंड है, एक्स माइनस थ्री आपका आंसर हो जाएगा। अब मात्र दो क्वेश्चन बचा है, तीन क्वेश्चन, अब जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है 3 इंटू एक्स प्लस वाई का क्या है, होल क्यू, जो लिखा है लिख रहे हैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई का है होल क्यू, 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यू है, उसके बाद कितना है 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसके बाद क्या लिखा है 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है आपको, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जो भी दिया रहता है उसका मिनिमम पावर लेते हैं, तो 3, 9 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा, इतना तो आपको पता है, तो 3 कौन कौन सा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है और चौथा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन में 6 है, ये तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, और देखिए दूसरा ऑप्शन में सिर्फ x माइनस वाई है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, या तो होगा पहला ऑप्शन या होगा चौथा ऑप्शन, अब देखिए पहला होगा कि चौथा होगा कैसे पता करेंगे, आपको बनाना होगा, तो 3, 9 और 6 का एचसीएफ तो पहले कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई यहाँ 3 है, यहाँ x प्लस वाई कितना है, 2 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई होता है ना, तो सभी में इसमें भी एक x प्लस वाई है, इसमें भी एक x प्लस वाई है, इसमें भी एक x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कॉमन हो गया, x प्लस वाई का मिनिमम पावर एक है, तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, मिनिमम पावर लेना है, तो यहाँ एक है x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई 2 है, यहाँ x प्लस वाई 3 है, तो मिनिमम पावर लेना है, तो 3 इंटू x प्लस वाई पर पावर 1,
तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 3 इंटू यहाँ तो x माइनस y का होल स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, तो 3 इंटू x प्लस y का पावर 1 ये है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पहले देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा स्टार करते हैं, अच्छी क्वेश्चन है। यदि x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 18 का HCF है, ये दिया गया है आपका HCF है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और कितना है एक्स क्यू प्लस 3x, एक्स क्यू दिया है प्लस 3x और माइनस 18 का HCF आपके प्रश्न में दिया गया है, कितना है HCF बराबर दिया गया है x माइनस a, देखिए दिया है x माइनस a फिर कॉमन लिखे हैं, इतना और इतना का HCF है लिखा है ना, तो देखिए ये दोनों का HCF निकालना है, तो निकालिए HCF ये दोनों का, तो इससे फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x 3 दो नीचे इसका फैक्टर कर सकते हैं ना, 6 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 गुना 2, तो 2 में से 3 घटा देंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए किस में माइनस प्लस लिखे, यहाँ पर माइनस एक चलाए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 3 में से 2 जाएगा तो प्लस एक चलाएगा, तो इसे हम प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर हो रहा है 2x माइनस 3x, तो माइनस एक्स और माइनस 6 ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं, और मतलब ऐसे भी इंटरसेक्शन होता है सेट में आप जानते हैं, मतलब दोनों में कॉमन लेना है, इसे भी समझ सकते हैं या कॉमन दे देते हैं। यहाँ देखिए 18 को ब्रेक करेंगे इस प्रकार से, 18 को आप ब्रेक कर सकते हैं, देखिए 6 किया 18 में, यहाँ 6 गुना 3 कर सकते हैं, तो किस प्रकार लिखें, देखिए x माइनस 6 इंटू x माइनस 3 लिखते हैं इस प्रकार से, तो आपको प्लस 3 लाना है, तो प्लस 3 कैसे आएगा, 6 में से यहाँ इस प्लस इसको दे देंगे तो 6 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, देख लीजिए x स्क्वायर ठीक है 6x माइनस 3x प्लस 3x हो गया और 6 18 ठीक है। अब दोनों में देखिए एक कॉमन जो होता है वही होता है HCF ना, तो x माइनस 3 इसमें भी x माइनस 3 इसमें भी है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF होना चाहिए x माइनस 3, लेकिन आपके प्रश्न में HCF कितना दिया है x माइनस a, प्रश्न में आपके HCF दिया है x माइनस a, यह दिया गया है आपका प्रश्न में, तो x माइनस a बराबर कितना होगा x माइनस 3, तो देखिए x से x दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस a बराबर माइनस 3, दोनों तरफ माइनस के कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना चला गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसे आप अगर जो पहला जो दिया गया है इसे ब्रेक कीजिएगा, तो इसे ब्रेक कीजिएगा, तो इसे ब्रेक करने के बाद आएगा आपको यहाँ पर लिख रहे हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y इंटू 4x माइनस वाई, और जो दूसरा लिखा गया है ये वाला पार्ट x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसे ब्रेक कीजिएगा तो ये आएगा आपको x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई, तो देखिए इसको ब्रेक किए तो ये वाला पार्ट आया, इसको ब्रेक किए तो ये वाला पार्ट आएगा, आपको ब्रेक करना होगा इसमें, या बाई ऑप्शन इसमें चल सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपको बाई ऑप्शन चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ऐसे प्रश्न को ज्यादा लेते होगा तो बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं। तो देखिए अब दोनों में HCF ने निकालना है, HCF निकालना है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, सबसे पहले x प्लस 2y इसमें भी है और x प्लस 2y इसमें भी है, तो x प्लस 2y को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद देखिए x माइनस y इसमें भी, x माइनस y इसमें भी, मतलब x माइनस y को सिलेक्ट कर लिया, मतलब आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा x प्लस 2y x माइनस y, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इसे हम डायरेक्ट हमने लिख दिया है, इसका ब्रेक करेंगे तो ये आएगा, इसके ब्रेक करेंगे तो ये आएगा, वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो इसलिए। तो हम लोग क्लास 5 में क्या पढ़े, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर, या एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब घातांकों का लसा और मसा किस प्रकार निकालते हैं, जो पूरा डिटेल से हमने रूल भी लिख दिया था, और उसका जितना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था लगभग सभी क्वेश्चन हमने कवर किया। अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।